रे क्लासेस फिरोजाबाद में अपना चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आज के वीडियो में अपना टॉपिक है लिगेंड। क्या होता है लिगेंड? देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई फॉर्मूला देखो पहले, जैसे K4Fe(CN6) कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान होती है, बड़ा ब्रैकेट जरूर आएगा, लार्ज ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान है, पक्की पक्की है ना। बड़े ब्रैकेट में जो चीज सबसे पहले है वो है सेंट्रल मेटल एटम, या इसे सेंट्रल मेटल एटम की जगह सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। इसके बाद जो चीज होती है वो होती है लिगेंड, और जो लिगेंड का नंबर है ये जो लिखा है 6, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड की संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात आती है लिगेंड होता क्या है, यही टॉपिक है अपना। लिगेंड होता क्या और करता क्या है? लिगेंड वो स्पीशीज होती है, लिगेंड वो स्पीशीज होती है जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना लोन पेयर देती है। लिगेंड इज अ स्पीशीज विच प्रोवाइड इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वो चीज जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर दे वो लिगेंड है। लिगेंड जो होते हैं वो कितने लोन पेयर दे रहे हैं, है ना? लिगेंड जो होते हैं वो कितने लोन पेयर दे रहे हैं, इसके आधार पर लिगेंड तीन टाइप के हैं। किसके आधार पर? कि कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर कोई लिगेंड एक लोन पेयर प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे? एक लोन पेयर, तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। इसका दूसरा नाम है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनि का मतलब भी क्या होता है? एक। तो ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर देता है वो कहलाता है मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल है CN-, CN-, OH-, है ना, NH3, ठीक। ये सब यूनिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। वॉटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। किसके? यूनिडेंटेड के। यूनिडेंटेड का मतलब ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर देता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। अब अगर एक से ज्यादा दे तो कितने दे? दो दे। कितने दे? दो। तो अगर दो लोन पेयर दे तो उसे बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर देता है? दो। अब बाइडेंटेड लिगेंड भी दो टाइप के हो जाते हैं, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। अब आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आ रही है। देखो बेटा, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ये वाला, इसका नाम है इथाइलीन डायमीन। क्या नाम है? इथाइलीन डायमीन। देखो ये दो लोन पेयर दे रहा है, नजर आ रहा है? कितने लोन पेयर दे रहा है? दो। एक इस NH2 से, एक इस NH2 से। अगर मैं इसे बीच में से काटू तो देखो इसके दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं? बराबर। तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और जो ये बनाया है इसका नाम है इथाइलीन डाइअमीन। क्या नाम है? इथाइलीन डाइअमीन, इसे शॉर्ट में EN लिखते हैं। इसका नाम है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, और इसका सिंबल होता है AA। इस पार्ट को A मान लो तो ये पार्ट भी A हो गया, तो ये AA इसका सिंबल है। इथाइलीन डाइअमीन इसका एग्जाम्पल है। एक बच्चा कहेगा सर एक एग्जाम्पल और दे दो, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। तो बेटा इसको हटा लो, एक और एग्जाम्पल लो, ये है ऑक्सालेटो। ये लिगेंड भी दो लोन पेयर दे रहा है, देख रहे हो, एक इधर, इसका नाम है ऑक्सालेटो। और देखो अगर हम यहां से लाइन खींचे तो इसके दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं? बराबर। दो पार्ट में कट रहा है, दोनों पार्ट बराबर है। इसका नाम ए, इसका नाम ए, तो इसका नाम पड़ा डबल ए इन ब्रैकेट, डबल ए ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब कहोगे सर नॉन सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? नॉन सिमेट्रिकल का मतलब हुआ जिसके दोनों पार्ट बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिया CH2 NH2,
C00-, एक लॉन पेयर ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, है ना, एक लॉन पेयर ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। लेकिन अगर आप देखो तो इसके दोनों पार्ट क्या बराबर हो रहे हैं, लॉन पेयर तो दो मिल रहे हैं लेकिन इसके दोनों पार्ट बराबर नहीं है। ये पार्ट ए है तो ये पार्ट बी है, ये ए ये बी, इसमें ये भी ए था ये भी ए था, तो इसका सिंबल हो गया ब्रैकेट के अंदर ए बी। तो बाइडेंटेड लिगेंड के दो टाइप हो गए, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। अगर दोनों पार्ट बराबर हैं तो ए ए सिंबल होगा और सिमेट्रिकल कहलाएगा, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो ए बी सिंबल होगा और नॉन सिमेट्रिकल कहलाएगा। लॉन पेयर दोनों ही दो दे रहे हैं, ये भी दो दे रहा है दे, ये भी दो रहा है ना। तो ऐसे लिगेंड जो एक लॉन पेयर देते हैं मोनोडेंटेड, और ऐसे लिगेंड जो दो लॉन पेयर देते हैं बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में दो केस हो गए, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, या अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, नॉन सिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। सामने से हट गया हूं, देख ले। अब आप रही सर और बताइए, और में अब अगला थर्ड वेराइटी आती है, अगर कोई चीज अपने लॉन पेयर दे कितने, तीन से लेकर छह तक, एक दे मोनोडेंटेड, दो दे बाइडेंटेड, तीन से छह तक दे, तो उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेड। क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा छह लॉन पेयर तक दे सकता है। यानी कि दुनिया का एक लिगेंड है वो ऐसा भी है जो छह लॉन पेयर देता है, छह लॉन पेयर से ज्यादा वाला कोई लिगेंड रिपोर्ट नहीं है। छह लॉन पेयर देने वाला एक ही लिगेंड रिपोर्ट है, उसका नाम है ईडीटीए। क्या नाम है? ईडीटीए। ये छह क्या देता है? छह लॉन पेयर, और इसका फुल फॉर्म है इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये इसका नाम है इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ये छह लॉन पेयर देता है ना। तो इसका मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या हुए? वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को तीन या चार या पांच या छह लॉन पेयर तक दे। जो तीन देगा उसे ट्राइडेंटेड, चार देगा टेट्राडेंटेड, पांच देगा पेंटाडेंटेड, छह देगा हेक्साडेंटेड। छह से ज्यादा लॉन पेयर देने वाला दुनिया में कोई लिगेंड नहीं है। छह लॉन पेयर देने वाला भी एक ही लिगेंड है, उसका नाम है ईडीटीए और उसका नाम है इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब मैं आपको तीन लॉन पेयर देने वाले का भी एग्जाम्पल दे दूं। तीन लॉन पेयर देने वाले का एग्जाम्पल देखिए, तीन लॉन पेयर देने वाले का एग्जाम्पल ये है जो मैंने इस समय बनाया। अब आपको तीन लॉन पेयर कैसे देखो, एक लॉन पेयर ये नाइट्रोजन, एक ये और एक ये, कितने लॉन पेयर दे रहा है? तीन, एक दो तीन, नजर आ रहे तीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के निशान नजर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के निशान एरो से दिखाए जाते हैं, एक एरो दो एरो तीन एरो, है ना। तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। कैसा? ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड, सब मिलाकर क्या कहलाएंगे? पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में कौन कौन सी वैरायटी है? ट्राइडेंटेड, अरे समझ रहे, जिसका ये एग्जांपल दिया मैंने, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड का एग्जांपल अभी मैंने कौन सा दिया? ईडीटीए। ट्राइडेंटेड का ये दिया। अब आपके मन में होगा सर इसका नाम तो आपने बताया नहीं, तो इसका नाम बेटा जो ये वाला है इसका नाम है इथाइलीन डाइअमीन, इथाइलीन डाई सॉरी डाई इथाइलीन ट्राइअमीन। क्या नाम है इसका? डाई इथाइलीन ट्राइअमीन। अभी बच्चा बोलेगा सर ये नाम कैसे याद रहे मुझे? देखो ये इथाइलीन है, एक इथाइलीन दो इथाइलीन, एक अमीन दो अमीन तीन अमीन, इथाइलीन वन इथाइलीन टू, तो डाइथाइलीन एक दो तीन ट्राइअमीन, इनकी वजह से आया ट्राइअमीन और इन दोनों की वजह से आया डाइथाइलीन, तो इसका नाम है डाइथाइलीन ट्राइअमीन। ये कैसा लिगेंड है? ट्राइडेंटेड, क्योंकि लॉन पेयर कितने दे रहा है? तीन। तो ये बात आई, अभी हटा रहा हूं। तो क्या सीखा प्यारे बच्चों? हमने ये सीखा लिगेंड क्या है ना, और लिगेंड कितने टाइप के हैं।
लिगेंड क्या है? लिगेंड वो स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लॉन पेयर देती है ना। लिगेंड कितने टाइप के हैं? लॉन पेयर देने के आधार पर, रिपीट कर रहा हूं, लॉन पेयर देने के आधार पर लिगेंड तीन टाइप के हैं, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड एक लॉन पेयर, बाइडेंटेड दो लॉन पेयर, पॉलीडेंटेड तीन से लेकर छह लॉन पेयर। तीन दे तो उस पॉलीडेंटेड को बोलेंगे ट्राइडेंटेड, चार दे टेट्राडेंटेड, पांच दे पेंटाडेंटेड, छह दे हेक्साडेंटेड। छह से ज्यादा वाला लॉन पेयर देने वाला अभी कोई लिगेंड रिपोर्ट नहीं है एट दिस टाइम, छह वाला मैक्सिमम है और उसमें भी एक ही एग्जाम्पल है, नाम है ईडीटीए। अब एक बात आती है लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन दो थे, वन और टू, सी वन और सी टू। आप कहोगे सी वन कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर, इसके अकॉर्डिंग तीन वर्जन कर दिए मैंने, मोनोडेंटेड याद करो है ना, फिर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, मोनो बाइडेंटेड और कौन से पॉलीडेंटेड, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, मोनो को ही पूरा लिख लो मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड के भी आगे दो वर्जन हो गए थे, सिमेट्रिकल है ना और नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। पॉलीडेंटेड के कितने वर्जन हो गए थे? आंसर ट्राइडेंटेड, याद आया, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड, ये पूरा हो रहा है ठीक। तो अगर लॉन पेयर के आधार पे देखें तो लिगेंड कितने टाइप के हैं? तीन, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड। बाइडेंटेड आगे दो टाइप के हैं, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल। पॉलीडेंटेड चार टाइप के हैं, ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड ठीक, ये ओके हो गया। लेकिन अगर हम इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा जगह बना लें, अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखें तो वो है चार्ज के आधार पर। किसके आधार पर? चार्ज के आधार पर। अगर हम चार्ज के आधार पर देखें तो लिगेंड तीन टाइप के हैं, कौन से? निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, निगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। अब आप कहोगे सर इनके कोई एग्जाम्पल दे दो, तो निगेटिव लिगेंड के एग्जाम्पल है सीएल माइनस, ओएच माइनस, सीएन माइनस। पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है एनओ टू प्लस, और न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है अमोनिया, वॉटर, ये न्यूट्रल लिगेंड हो गए। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो चार्ज के आधार पर देखें तो अभी लिगेंड तीन टाइप के हैं, निगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। और लॉन पेयर देने के आधार पर देखें तो अभी तीन टाइप के हैं, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। तो प्यारे बच्चों हमने एक तो यह सीखा लिगेंड क्या है और उसका क्लासिफिकेशन। पूरी बात को एक बार लास्ट में सुन लो, बात खत्म करें। जो सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर दे वो लिगेंड, बात खत्म। कितने क्लासिफिकेशन? दो। पहला है लॉन पेयर के नंबर के आधार पर, उसके आधार पर लिगेंड तीन टाइप के हैं, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड। दूसरा क्लासिफिकेशन है चार्ज के आधार पर, चार्ज के आधार पर भी लिगेंड तीन टाइप के हैं, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। सामने से हट गया हूं, देख लें पूरा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने लिगेंड के बारे में जितनी डिटेल दी है वो एकदम दिमाग में प्रिंट हो गई होगी और लग रहा होगा लिगेंड से तो अब दोस्ती हो गई है भाई, लिगेंड सब बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।